में दीमक की तरह लगा हो। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब बरसे और जमकर बरसे। काला धन पर बनाए गए सख्त कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून को हल्का करने के लिए हर स्तर पर उन पर दबाव बनाया गया। दबावों में ना झुकने की बात करते हुए पीएम ने बताया, काला धन लाने के प्रयास में सफलता हासिल हो रही है। काला धन वापिस लाने की एक लंबी प्रक्रिया है, चल रही है, लेकिन इतना तो हो गया है कि अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करता है। करीब 6500 करोड़ रुपया अघोषित आए लोगों ने आकर के घोषित सामने से करना शुरू कर दिया। ये पैसा हिंदुस्तान की तिजोरी में आएगा, भारत के गरीब के काम आएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएमएलए कानून के तहत पिछले 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं, जिसमें से 4,500 करोड़ रुपए तो सिर्फ पिछले 10 महीने में आए हैं। 15 महीने की उनकी सरकार पर अब तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होने की बात करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का वादा किया। आपने मुझे जिस काम के लिए बिठाया है, इस काम को पूरा करने के लिए हर जुल्म को सहता रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा, यह आपको मैं कहने आया। भ्रष्टाचार पर चौतरफा हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हाल ही के दिनों में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। पिछले एक साल में सीबीआई ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 1800 मामले दर्ज किए हैं। नौकरियों में स्वप्रमाणित दस्तावेजों की शुरुआत के बाद मोदी सरकार ने अब एक अहम ऐलान किया है कि आखिरकार जो छोटी नौकरियां हैं ग्रुप सी और डी की, उनमें इंटरव्यू की बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। मैं आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें, मेरिट के आधार पर दें। देश में से भ्रष्टाचार जो गरीब आदमी को परेशान करता है उससे उसको मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि एलपीजी गैस सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खाते में जाने से 15,000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। उन्होंने बताया कि जिन कोयला खदानों और स्पेक्ट्रम की नीलामी ना होने की वजह से देश के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था, उन्हीं की पारदर्शी नीलामी से 3,00,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ रहे हैं। यहां तक कि एफएम रेडियो की नीलामी से भी 1,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की राशि सरकार के खजाने में आ रही है, जिसे गरीब जनता के कल्याण पर खर्च किया जा सकता है। सुधीर यादव के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़।